एकदम प्रेशर नहीं आना चाहिए इनके ऊपर, है ना। जबरदस्ती ट्रिप प्लान हमने करवाई है तो ऐसा पीयर प्रेशर नहीं आना चाहिए, करेक्ट? पीयर प्रेशर तो आएगा। Sharing our secrets, making dreams come true. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow, and my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. Hello everyone, welcome back to the channel. Hope आप सब एकदम अच्छे होंगे और मौसम बहुत ही awesome हो रहा है. And we are going on a road trip somewhere towards the north. कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जल्द, मे बी इस ब्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज लेट्स कीप इट एज अ सरप्राइज़. थोड़ा तो अलग करते हैं सब, हर बार मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. एंड बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. बारिश होने शुरू हो गई है, हम लोग सुबह निकले थे अराउंड 6:10 के आसपास, घर से निकल गए थे एंड वी हैव पैक्ड. और मैंने सुबह जो ब्रेकफास्ट में हम करने वाले हैं वो मैंने कल रात को ही बना दिया था. मैंने बनाया था पालक की पूरी, जस्ट थोड़ा सा एक थोड़ा सा हम स्नैक्स टाइप का लेके चले, बिकॉज लंबा रास्ता है सो वी डोंट वांट टू स्टॉप एवरीवेयर जस्ट फॉर फूड, क्योंकि अगर रुकेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा पहुंचने में. तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत स्नैक्स आने के हिसाब का लेके चले. वेजिटेरियन ऑप्शंस है ना वो थोड़े से कम है, या फिर आपको मिलेगा पिज़्ज़ा बर्गर, वो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इसलिए बेटर है घर का खाना. तो हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स बना के हमेशा चलते हैं, क्योंकि अनेक को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मैंने ऑलरेडी आपको अपने ब्लॉग में बताया था, शायद उसको मे बी जो हमने चिपोटले में ट्राई किया था रैप, वो इसको पसंद आ गया था. और जो मील होता है किड्स मील, वो भी इसे पसंद आ गया था. बट वाई टू टेक रिस्क, अगर हम इतना लंबा जा रहे हैं और अगर कहीं रुके आने का पेट नहीं भरा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने घर से थोड़ा सा स्नैक्स बना के हमेशा लेके चलती हूँ मैं. और बस सुबह हमने चाय पी ली थी, अब हम कहीं रुकेंगे और वहाँ जाकर फिर वेट करके आराम से चाय नाश्ता करेंगे. मैं चाय लेकर आई हूँ, आपको पता है मैं चाय के बिना नहीं जाती हूँ, ठंडा मौसम है. एंड द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज़ अगेन अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही डाउन है. तो हमने कपड़े काफ़ी सारे वुलन क्लोथ्स वो सब कुछ रेडी करके रखे हैं, आने के लिए भी ग्लव्स कैप एवरीथिंग, वुलन सॉक्स, बिकॉज अने फील्स अ लॉट ऑफ कोल्ड नॉट एट होम. यू नेवर नो, क्या पता वहाँ पे मिलेगी नहीं मिलेगी, यू नेवर नो. तो एक्चुअली अभी इतने दिनों से जो कोविड की वजह से हम ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया ट्रिप हम कहीं नहीं गए हैं. वी वेंट लास्ट ईयर टू स्मोकीज, उसके बाद में फिर हम कहीं ट्रैवल नहीं किए. और वैसे भी इस सिचुएशन में ट्रैवल करना इज़ नॉट सेफ ऑल्सो, तो इसलिए हमने सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चुना है ड्राइविंग बाय आर ओन कार एंड स्टेइंग नॉट इन अ होटल, क्योंकि होटल में क्या होता है मोर पीपल कम एंड गो, सो इट वॉज नॉट सेफर ऑप्शन फॉर अस. सो हमने एयरबीएनबी बुक किया है एंड होपफुली द प्लेस वेयर वी आर गोइंग वहाँ पे स्नोफॉल है, पर मिले नहीं मिले, बिकॉज वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज होता रहता है, सो यू नेवर नो. अभी तो फिलहाल दिख रहा है बट देखते हैं वहाँ जाकर कैसा रहेगा. बस ये है ठंडा बहुत है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो हमने एयरबीएनबी बुक किया है. तो जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं आपको अपना जो वहाँ का हाउस होगा उसका भी ज़रूर टूर कराऊँगी एंड आई विल शो यू, बिकॉज द अपार्टमेंट्स आर वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड. और जो भी ये एयरबीएनबी के लिए रखते हैं वो आप सारी आपकी जो फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए दे अरेंज एवरीथिंग फॉर यू. सम एयरबीएनबीज में देयर इज़ अ किचन एंड सम एयरबीएनबीज दे डोंट प्रेफर किचन, दे जस्ट गिव अ माइक्रोवेव. तो हमने जो चूज़ किया है दैट इज़ विद द किचन, क्योंकि अने के लिए कुछ
कुछ भी अगर फ्रेश बनाना है सो आई कैन क्विकली प्रिपेयर इट, मैं थोड़ा बहुत ड्राई आइटम्स लेके आई हूँ किचन आइटम्स, क्योंकि वहाँ जाके फिर शॉपिंग करने जाओ एंड देन अरेंज स्टफ, इट्स नॉट वर्थ इट. और इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढना या फिर अनेकी चॉइस का कुछ ढूंढना वो थोड़ा एक बड़ा टास्क हो जाता है कहीं बाहर जाने के बाद में, बिकॉज यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस. तो इसलिए मैं घर से ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके आती हूँ सो दैट आई कैन फुल हिज पिट्टू, राइट अने. तो मैं थोड़ा बहुत ड्राई आइटम्स लेके आई हूँ एंड वहाँ किचन में जाके आई मीन क्विक स्नैक्स जो होते हैं ना वो उसके हिसाब से लेके आई हूँ. सो बस प्रिपेयर करके ब्रेकफास्ट, और कई होटल्स में ब्रेकफास्ट रहता ही है बट एयरबीएनबी में यू डोंट गेट ब्रेकफास्ट बिकॉज वो तो किचन सिस्टम है सो यू कैन कुक ऑन योर ओन. एंड बट घर बहुत ही सुंदर है, पिक्चर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है, रियलिटी में देखते हैं जाकर कैसा लगेगा. Text every day, and still my feelings are so strong. How I miss your face. Let's have a toast for the love. अभी ये चला रहे हैं कार, इसके बाद में मेरा नंबर आएगा. इन्होंने 200 माइल चला लिया, राइट? 200 समथिंग, ऑलमोस्ट 200 माइल चला लिया. तो हमने ये डिसाइड किया, मतलब इन्होंने नहीं, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल बराबरी का चलाऊंगी. तो इसके बाद में 200 माइल पूरा एट अ स्ट्रेच मैं चलाऊंगी, उसके बाद में बचेगा शायद 200 मोर, क्योंकि 600 समथिंग का है टोटल जर्नी. तो फिर 100-100 डिवाइड कर लेंगे मतलब. लेकिन मैं आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर ड्राइव करूंगी. okay. एकदम प्रेशर नहीं आना चाहिए इनके ऊपर, है ना? जबरदस्ती ट्रिप प्लान हमने करवाई है तो ऐसा पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, करेक्ट? पीयर प्रेशर तो आई भाई. और अने ने आराम से मुंह खोल के है ना बहुत अच्छी वाली नींद ले ली है ना अने. हम लोग सुबह चाय पी के आए हैं, अब हमारे पास चाय रेडी रखी है और बढ़िया नाश्ता भी है. बट जहाँ कहीं रेस्ट एरिया मिले तो हम लोग वहाँ रुके और थोड़ा सा खान पान करें, तो रेस्ट एरिया मिल ही नहीं रहा है, देखते हैं. थोड़ी दूर पर है, अराउंड आई थिंक 12 माइल्स पर है. सो रेस्ट एरिया में रुकेंगे, थोड़ा खान पान करेंगे, चाय पियेंगे और थोड़ा फ्रेश होंगे. Toes for the lovers, we'll tumble round in the snow, and my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. तो अभी हमारे 330 माइल्स हो चुके हैं ऑलरेडी और हमने सोचा एक ब्रेक लेते हैं. तो ये यहाँ पर रेस्ट एरिया है, ये ऑलमोस्ट सारे हाईवेज में आपको काफ़ी सारे रेस्ट एरियाज मिलते हैं. तो जहाँ पर वॉशरूम्स होते हैं एंड देर इज़ अ स्पेस वेर यू कैन सिट एंड हैव सम स्नैक्स, ईट, स्पेंड सम टाइम, टेक सम रेस्ट, क्योंकि इतने लंबे लंबे ड्राइव्स होते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत होती है. उसके लिए ये सारे रेस्ट एरियाज बनाए जाते हैं. तो अभी हमने जब रेस्ट एरिया देखा था इट वॉज 26 माइल्स बिफोर, और 26 माइल के बाद में हमने सोचा कि शायद हमें कहीं दूसरा रेस्ट एरिया बीच में कहीं मिल जाए, पर सीधा स्ट्रेच के बाद में 26 माइल के बाद में हमें ये वाला रेस्ट एरिया मिला. बट हमने सोचा कि नहीं, ब्रेक लेते हैं क्योंकि अने को रेस्ट रूम भी यूज़ करना था और थोड़ा फ्रेशन अप भी हो जाते और जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा चेंज भी हो जाता, क्योंकि हाईवे पे क्या होता है आप 70 की स्पीड पर आपको मतलब मैक्सिमम स्पीड 70 एंड मिनिमम स्पीड इज़ 45, तो आपको वो स्पीड मेंटेन करनी होती है. यू हैव टू गो विद द फ्लो विद द ट्रैफिक. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा फिर बाद में जब एक ही स्पीड में आप चलाते रहो चाहे मैं चलाऊँ या वो चलाए, पता नहीं कि थोड़ी देर के बाद में थोड़ा बोरिंग सा होने लगता है. एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रक्स साइड से निकल रहे हैं एंड चेंजिंग द लेन्स वेरी क्विकली एंड फ्रीक्वेंटली एज पर द ट्रैफिक. तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी है थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद में, जिससे आपकी जर्नी एकदम स्मूथ रहे. ठंडा बहुत है इसलिए मैंने और एक्चुअली अने और पापा एक वॉक पर चले गए हैं थोड़ा सा ऐसे ही 5-6 मिनट के लिए, सो दैट थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ. और मैंने अपनी कार में से जैकेट निकाल के पहन ली क्योंकि ठंडा बहुत है एंड इट्स हवा बहुत तेज़ चल रही है. तो बस अब हम निकलेंगे और बाकी के 600 में से 350 हो गया है तो अराउंड 250 कुछ माइल्स रह गया है तो वो भी कवर करेंगे और पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर. बहुत ठंडा है
निकलते हैं फटाफट से और पहुँचेंगे हम अपने एयरबीएनबी के घर में फॉर 3 days, जो हमारा घर रहेगा 3 दिनों के लिए उस घर में. My feelings are so strong. How I missed your face. Let's have a toast for the lovers. We'll tumble round in the snow. And my heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. Talking on the phone, I make you feel at home. Oh, when I got you by my side, what a night. डेस्टिनेशन पर और यहाँ जस्ट जहाँ हमने जो अपना कॉटेज बुक किया है एयरबीएनबी का, उसके पास में ही जस्ट 0.6 mile पर, यानी किलोमीटर्स में अगर बताएंगे तो 1 kilometer से कम की रेंज पर ही ऑल्डी था द स्टोर. तो हमने सोचा थोड़ा सा फ्रेश दूध का कैन वगैरह ये सब कुछ ले लेते हैं. तो वी जस्ट पिक्ड अप मिल्क गैलन और ऐसे थोड़ा बहुत चुटपुट कुकीज़ चिप्स वगैरह, क्योंकि मैं एक पैकेट है ना भूल आई हूँ घर पर. इट इज़ माय मिस्टेक, पैक कर दिया. कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी सारी पैकिंग कर ली तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है. तो मुझे लग रहा था मैं सब कुछ लेके आई हूँ, बट एक पैकेट मैं भूल आई हूँ. उसमें ही थोड़ा सा चिप्स था आने के लिए, थोड़ी सी कुकीज़ थी, ये सब जो चुटपुट सामान रहता है ना वो सब कुछ था. तो मैंने यहाँ से ले लिया. इट इज़ गुड कि हमारे कॉटेज के जस्ट और जस्ट 0.6 mile पर है. ठंडा बहुत है और मेरे पीछे है यहाँ पर स्नो और अने. वो अने खेल रहा है स्नो से एंड हिज हैंड्स हैव बिकम वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे हो गए. इसको मैंने बोला था ग्लव्स पहन लो, जैकेट पहन लो कार से बाहर निकलने के पहले, बट एज यूजुअल अने ने नहीं सुना. अने को लगा बिल्कुल ठंडा नहीं. लेट्स गो. तो बस अब हम यहाँ पर इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड. हम आपसे मिलेंगे कल. मैं आपको कल अपना कॉटेज दिखाऊंगी, द एयरबीएनबी होम विच विल बी आवर होम फॉर 3 days. तो वो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी. बस अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड. और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बस इसको आगे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिससे ब्लॉगिंग देसी की फैमिली जो है वो बड़ी हो जाए. मेरे मुँह से निकल रहा है धुआँ क्योंकि ठंडा बहुत है. हम आपसे मिलेंगे कल. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज. और अने स्नो देख कर है ना बिल्कुल भूल गया है कि ठंड भी कुछ चीज होती है. अने योर हैंड्स हैव बिकम वेरी कोल्ड. यस, एंड वी विल हैव टू वार्म अप वन
Yes, we'll have to warm up when we will go to the home for 3 days, our cottage. और ये है पीछे द स्टोर ऑलरेडी वेर वी केम. बस अब हम निकलते हैं ठंडे ठंडे मौसम में. कल आपसे मिलते हैं वापस. बाय बाय.